इस टॉपिक में हम लोग जो है वायरस के बारे में देखेंगे, वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे और लाइकेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। करें कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड, करें कि ये फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें वायरस के बारे में कोई जगह नहीं है, वायरॉइड्स के बारे में कोई जगह नहीं है और लाइकेन के बारे में कोई जगह नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस, ये वायरस जो होता है ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सेल की स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होता है। इसमें बता रहा है कि हैविंग, इसमें होता है क्या, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ये। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब पत्थर जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। आउटसाइड द लिविंग, ये बता रहा है कि क्रिस्टलाइन आउटसाइड द लिविंग, ये यहाँ ये बता रहा है कि ये क्रिस्टलाइन अगर लिविंग के साथ जब आउटसाइड है, किसी लिविंग के बाहर ये है तो ये क्रिस्टलाइन इनर्ट पत्थर जैसा है, कोई एक्टिविटी उसमें नहीं दिखती है। कह रहा है कि व्हेन द इंटर, जब ये वायरस जो है इंटर करता है कहाँ पे, लिविंग सेल में, दे टेक ओवर द मैकेनिज्म, जो लिविंग का बॉडी का सेल है, जो लिविंग बॉडी का मशीनरी ऑफ लिविंग सेल है उसको ये यूज़ करता है। मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स, जब ये लिविंग में ये इंटर करता है लिविंग में, तो उसके सारे मशीनरी मशीन को यूज़ करता है और रेप्लिकेट करता है अपने आप ही, जो है देमसेल्व ये रेप्लिकेट करता है। आगे बता रहा है कि जेडी आइनोवेस्की, ये जेडी आइनोवेस्की साहब थे, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किए, क्या रिकॉग्नाइज़ किए, सर्टन माइक्रोब्स, उन्होंने कहा कि सर्टन माइक्रोब्स हैं जिसके कारण में जो है बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, मोज़ेक डिजीज़ होता है, ये काउजल ऑर्गेनिज्म है, ये जो है यही काउजल ऑर्गेनिज्म है, किसके लिए काउजल ऑर्गेनिज्म है, मोज़ेक डिजीज़, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टेबेको, टेबेको प्लांट में जो मोज़ेक डिजीज़ है, मोज़ेक डिजीज़ में क्या है कि धब्बा 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 पत्ती में ये जहाँ तहाँ मोज़ेक जैसा ये धब्बा धब्बा ये स्ट्रक्चर होता है, तो उसको मोज़ेक डिजीज़ उसको बोलते हैं। तो मोज़ेक डिजीज़ के बारे में सबसे पहले जेडी आइनोवेस्की ने कहा कि ये जो है काउजल ऑर्गेनिज्म है किसका, टेबेको में मोज़ेक डिजीज़ जो हो जा रही है उसके लिए। इसके बाद ये बता रहा है कि इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये कह रहा है कि वायरस जो है इसमें प्रोटीन तो है ही, इसके अलावा कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इसमें मटेरियल हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो फिर जो है ये आरएनए हो सकता है, आरएनए। तो प्रोटीन के अलावा जो है वायरस में डीएनए और आरएनए दो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। करें कि इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, करें कि ऐसा वायरस जो प्लांट में इन्फेक्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, प्लांट में जो इफेक्ट कर रहा है सिंपल सा नियम है किसमें डीएनए होगा किसमें आरएनए होगा, कह रहा है कि ऐसा वायरस जो प्लांट में इन्फेक्ट कर रहा है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो वायरस इन्फेक्ट करता है एनिमल में, जो वायरस एनिमल में इन्फेक्ट करता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कह रहा है कि सम कॉमन डिजीज, कुछ कॉमन डिजीज़ है काउज्ड बाई वायरस, वो क्या है, कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है, एड्स हैं, स्मॉल पॉक्स है, ये बीमारी जो है होता है। इसके अलावा लीफ रोलिंग या फिर कर्लिंग है, ये भी आपके वायरस के कारण ही होता है। करें कि बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, कह रहा है कि जो बैक्टीरिया खाता है, किसको खाता है, वायरस को खाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कह रहा है कि दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड,
दे आर इजुली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ये होते हैं, डीएनए वायरसेस ये होते हैं, जो बैक्टीरिया जिसको खाता है वो बैक्टीरियोफेज जो हैं, यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं, ये वायरस जो है हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, बैक्टीरिया फीडिंग वायरस, जो वायरस जो है बैक्टीरिया को खाता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो वायरस अब बैक्टीरिया को खाता है उस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और वो बैक्टीरियोफेज उसमें जनरली डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसका होता है, तो इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कहते हैं। आगे करेंगे द प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस में, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स से बने होते हैं, उसको कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर क्या है, ये प्रोटीन के यूनिट्स हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। कैप्सोमियर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, उसके भीतर में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। द कैप्सोमियर आर अरेंज इन ए हेलिकल और पॉलीहेड्रिकल जियोमेट्रिक, ये हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, इसको पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म। अब ये आया यहाँ पे वायरॉइड मतलब वायरस जैसा, वायरॉइड मतलब क्या है, वायरस जैसा, वायरॉइड। मेरा नाम जैसे दिनेश है तो दिनेशवाइड अगर किसी को कहेंगे, यानी कि दिनेश जैसा, ये वायरॉइड है, यहाँ पे वायरॉइड है, वायरॉइड यानी कि वायरस जैसा। वॉज डिस्कवर्ड बाई टी ओ डैनियर साहब थे, ये टी ओ डैनियर ने क्या डिस्कवर किया, वायरॉइड को डिस्कवर किया। एस ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, ये क्या बताया कि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ये स्मॉलर दैन वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, स्मॉलर दैन वायरस होते हैं, और ये काउस करते हैं, काउस क्या करते हैं, काउस डिजीज, काउस करते हैं डिजीज, बीमारी, कौन सा बीमारी, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर की बीमारी ये करते हैं। करें कि दे आर फ्री आरएनए, इसमें क्या होता है, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये केवल आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं लाइकेंस को, हम लोग देख रहे हैं लाइकेंस, ये टॉपिक है लाइकेंस, ये लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, किसके बीच बनाता है, अलगी और फंजाई के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। कराए कि जो अलगल पार्ट है, द अलगल पार्ट इज कॉल्ड, अलगल पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, फाइकोबायोंट, अलगल पार्ट को फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंगल पार्ट है किसमें, लाइकेन में, उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। ये फंगल पार्ट और अलगल पार्ट दोनों जो है एक साथ मिलके रहता है, तो फाइकोबायोंट और जो है ये माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट किसको बोलते हैं, अलगा का जो रूप है, और माइकोबायोंट किसको कहते हैं, ये फंगल पार्ट को कहते हैं। दे आर, ये जो कह रहा है कि लाइकेंस जो हैं, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, एस दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये कहाँ नहीं ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा काम करता है, तो हम लोग आंसर देंगे कि लाइकेन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, तो इसके बारे में देख के हम लोग नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।